जय श्री राम। बागेश्वर धाम सरकार को गिरफ्तार करने की फिर से बात चल रही है। हैं कुछ जिनको मिर्ची लग रही है बजरंग बली के नाम पर। अब बजरंग बली है, महाबली है, उनके कारनामे बड़े बड़े हैं, संकट मोचन है, संकट को हरने वाले हैं, लेकिन हमारे बागेश्वर धाम सरकार ने अगर बजरंग बली की महानता को बताया तो क्या गलत है। और कुछ मौलाना मौलवी जो गुरुदेव की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो आप छूकर तो देखिए, अभी ये सब झाकी है और हिंदू राष्ट्र अभी बाकी है। और मैं बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करता हूँ, अगर आप भी समर्थन करते हैं तो ना मुझे लाइक चाहिए ना शेयर चाहिए, सिर्फ जय बागेश्वर धाम चाहिए। और हाँ, कुछ हिंदू होकर हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, निग्रहाचार जैसे संत जो गुरुदेव का विरोध और परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। हिजड़े वो नहीं है जो सच में हिजड़े होते हैं, असली हिजड़े वही है जो हिंदू होकर हिंदुत्व का और हिंदूवादियों का विरोध करते हैं। तो और मौलाना मौलवियों से कहना चाहता हूँ, जो गुरुदेव का आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो मैं बता दूं अभी तो ये सब झाकी है, हिंदू राष्ट्र अभी बाकी है, क्योंकि ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। और मैं बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करता हूं, आप अगर समर्थन करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय बागेश्वर धाम सरकार की। मैं बागेश्वर धाम सरकार का समर्थन करता हूं। जय श्री राम।